आज के ब्रेकिंग न्यूज, सड़के वर्सेस शाहरुख खान की हुई लड़ाई में आखिर हुई किसकी जीत? भाई ये क्या बोल रहा है, एस आर के और शाहरुख खान दोनों एक ही तो है। ओह मेरा मतलब था पठान और जवान में से आखिर किसने मारी बाजी। तो आज से एक साल पहले कुछ ज्यादा ही ट्रोलिंग चल रही थी। उनका कहना था कि एस आर की कोई मूवी 300 करोड़ नहीं कमा पा रही है। 300 करोड़ छोड़ो, वो तो 200 करोड़ नहीं कमा पा रही है। और तुम यकीन नहीं मानोगे, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कह रहे थे दिस इज द एंड ऑफ हिज एरा। बट वो लोग भूल गए थे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और उसके बाद रिलीज हुई पठान। इसने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड हिला डाले। सिर्फ 300 करोड़ नहीं, वो बॉलीवुड की पहली ऐसी मूवी बनी जिसे 400 नहीं सीधे 500 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। और जिसने 525 करोड़ कमा के बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बट वो सुना होगा आपने, 100 सोनार की और 1 लोहार की। बट लोहार जब दोबारा हथौड़ा मारने के लिए उठाता है ना, तो वो और ज़्यादा जोर से मारता है। कुछ ऐसा ही एस आर के अपनी मूवी जवान के साथ कर रहे हैं, जिनका कॉम्पिटिशन कोई और नहीं उनकी खुद की ही मूवी पठान से है। ये तो वही बात हो गई। आज कोई है न कल कोई है, तेरे यार दादा कोई कॉम्पिटिशन नहीं। तो हाँ, जवान ने पठान को हरा दिया है और वो हिंदी नेट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है, जिसने अभी तक 538 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और मूवी ने ओवरऑल 1068 करोड़ रुपए की कमाई की, जो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली। तो इससे एक बात तो सिद्ध हो ही गई है कि किंग ऑफ बॉलीवुड एक ही है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर।